हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? अगर आप एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं और अगर आप आईटीआर भरने में चूक गए हैं तो चिंता ना करें। तो क्या आप सोच रहे हैं कि आईटीआर की डेडलाइन डेट में एक्सटेंशन हुआ है, जो कि 31 दिसंबर 2021 रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख थी? तो मैं आप सबको बता दूं कि आप सभी सही हैं और यह उन इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स पर लागू होता है जिन्हें अपने खातों का ऑडिट नहीं करवाना पड़ता है। असेसमेंट ईयर 2021-22 के दौरान कई बार आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाई गई थी। इसका मुख्य कारण था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नया ई फाइलिंग पोर्टल, जिसमें आईटीआर फाइल करने के दौरान हुई वो परेशानियां जो टैक्सपेयर्स के द्वारा फेस की गई थी। हालांकि अंतिम समय सीमा 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो गई, लेकिन जो लोग चूक गए हैं उन्हें भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वे अभी भी बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हाल ही में सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने ऑडिट मामलों के लिए आईटीआर की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ा दी है। ज्यादातर बिजनेसेस संबंधित है और इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को समय सीमा के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के पास 2 से अधिक महीने का समय है, जिसमें वे अभी भी असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आईटी एक्ट की धारा 139 उपधारा 4 के अनुसार बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 है। आईटी एक्ट की धारा 234F के अनुसार अगर आप तय तारीख के बाद या देर से आईटी रिटर्न फाइल करते हैं तो आप पर पेनल्टी लगाई जाएगी। यहां अब आपको किसी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट और ड्यू डेट के बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। ड्यू डेट उस डेट को कहते हैं जिसके द्वारा किसी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में बिना लेट फी के रिटर्न फाइल की जा सकती है, लेकिन लास्ट डेट वह दिन होता है जिसके बाद टैक्सपेयर्स को लेट फी का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। आईटी एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि अगर आप आईटीआर देरी से फाइल करते हैं तो आप पर पेनल्टी लगाई जाएगी। यानी कि आईटी एक्ट की धारा 234F के तहत ड्यू डेट के पहले आईटीआर फाइल नहीं करने पर पेनल्टी या फाइन लगाया जाता है। लेट फी या पेनल्टी टैक्सपेयर की आय पर निर्भर करता है। बिलेटेड रिटर्न को असेसमेंट ईयर के अंत से पहले या मूल्यांकन के पूरा होने से पहले इन दोनों में जो भी पहले हो उसे देखकर समझकर दाखिल करने की आवश्यकता है। उन टैक्सपेयर के लिए जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है, उन पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है और अन्य पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुछ अन्य टैक्सपेयर्स को ड्यू डेट के बाद भी आईटीआर फाइल करने पर दंड का भुगतान करने से छूट दी गई है। ये वो टैक्सपेयर हैं जिनकी ग्रॉस इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है। उन्हें डेडलाइन जो कि 31 दिसंबर 2021 थी उस तक ना चुका पाने की कंडीशन में आपको लेट फी भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप आईटीआर को देर से फाइल करते हैं तो इसका प्रभाव क्या होगा? आईटीआर को देर से फाइल करने का स्पष्ट प्रभाव यह होगा कि आपकी टीडीएस के रिफंड में देरी होगी। जो लोग अपनी रिटर्न फाइल करने की प्रोसेस को जल्दी पूरा करते हैं उनके लिए धन वापसी को प्रायोरिटी के आधार पर प्रोसेस्ड किया जाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि टीडीएस रिफंड जनरेट करने में देरी होने पर आईटी डिपार्टमेंट टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स का पेमेंट करता है। हालांकि आईटीआर फाइल करने की समय सीमा में चूकने वालों को ऐसा कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, इसलिए आईटीआर फाइल करने में पंक्चुअल होने से टैक्सपेयर्स को समय पर रिफंड सुनिश्चित होगा और अगर आईटी विभाग की ओर से देरी हो रही है तो ब्याज भी सुनिश्चित होगा। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि समय सीमा तक प्रतीक्षा ना करें और प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। नो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस यानी हानियों को आगे नहीं ले जाना। टैक्सपेयर्स को हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर नुकसान को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं है, चाहे वो आईटीआर फाइलिंग में देरी से हुई हो या आपके किसी अन्य कारण से बिजनेसेस या प्रोफेशन में पिछले किसी कारण से होने वाले नुकसान, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग एंड डेरिवेटिव ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इनकम पर नुकसान को देर से फाइलिंग के मामले में आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि अगर समय सीमा से पहले आईटीआर फाइल किया जाता है तो इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड की अनुमति है। और अंत में यही कहूंगा कि आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जब भी बाहर जाएं तो मास्क अवश्य पहनें, अपने घर पर अपनी फैमिली का ध्यान रखें और हाँ, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपना प्यार हम पर ऐसे ही बनाए रखें। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।